स्कूल खुलते ही बरपा कोरोना का कहर। जी हां, कोरोना से जो लोग बच्चे हैं वो संक्रमित नजर आए हैं। निजी स्कूल में 2 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 8 दिनों में कुल 3 बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं। एक दिन में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि निजी स्कूलों में 2 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 8 दिनों में कुल 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान से हमारे ब्यूरो चीफ आरके शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरके शर्मा जी, जिस तरह से ये लगातार अब पॉजिटिव केस आ रहे हैं, एक दिन में 10 नए पॉजिटिव केस आए और वो भी बच्चों में, ये कोरोना जो है ये फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ स्टेटस है अभी कोरोना संक्रमित लोगों का? जी श्वेता, जो सवाई मानसिंह स्कूल है ये कल ही 2 बच्चे आए थे और उससे पहले 1 बच्चे और आए थे कोरोना पॉजिटिव जी। तो जैसे ही ये पॉजिटिव तो स्कूलों में हड़कंप मच गई और जो पेरेंट्स है वो एतराज करने लगे कि अब हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। सबसे अहम बात ये है कि स्कूल में जो कैपेसिटी थी, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस कही थी, वो गाइडलाइंस के हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं। फुल वैकेंट है, कहीं डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, कहीं मास्क नहीं है, कहीं सैनिटाइजर नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही है तो उसके कारण हो सकता है कि कोरोना जो है कमिंग डेज में और विस्फोटक हो सकती है। सरकार को सही समय रहते हुए चौकन्ना रहना चाहिए और स्कूल प्रशासन को ये सब देखते बच्चों की जान खतरे में नहीं डालने। कारण जो सरकार ने कहा था 50% जो बच्चे मतलब है तो उनकी गाइडलाइन के साथ स्कूल खोली जाएगी, मगर जयपुर में ऐसा कुछ नहीं है। पूरी स्कूल 100 बच्चे की अगर कैपेसिटी है क्लास में तो 100 बच्चे आ रहे हैं, मास्क का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर ये जो चीजें हो रही है जयपुर में तो हो सकता है कमिंग डेज में और बच्चे की संभावना बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन भी आई नहीं है, अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं आ रही, तो ये पेरेंट्स और स्कूल के जो प्रशासन है उनको ध्यान मद्देनजर रखते हुए बच्चों का जान का खतरा न हो जाए तो उसको हिसाब से ये खुद स्टेप लेना पड़ेगा, उनको अवेयरनेस स्टेप। बाकी अवेयरनेस की बात की जाए तो अवेयरनेस कहीं नहीं है, पेरेंट्स की भी जवाबदेही होती है और स्कूल प्रशासन की भी होती है। तो ये जो दोनों जो तालमेल नहीं बैठ पा रही है जिसके कारण अभी 3 बच्चे आए हैं और संभावना और है तो जांच की जा रही है और जांच करेंगे और जांच करने के बाद मालूम पड़े कितने बच्चे आ सकते हैं। जी श्वेता जी, तमाम जानकारी के लिए आरके शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान से हमारे ब्यूरो चीफ आरके शर्मा बता रहे थे कि जिस तरह से ये कोरोना के मामले आ रहे हैं, पेरेंट्स भी इसमें असंतुष्ट हैं, पेरेंट्स भी अब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं बड़ी खबर फास्ट के साथ।